हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। आज मैं आप सबके साथ परिजात या फिर हार सिंगार, जिसका इंग्लिश नेम है ग्रोइंग नाइट जैस्मिन, उसकी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका जो है अर्थराइटिस, अस्थमा, एलर्जी, हेयर फॉल, लीवर, हार्ट, डेंगू, साइटिका और जॉइंट्स पेन में काफ़ी फ़ायदा होता है। ये एक एज ए मेडिसिन जो है इसको यूज़ किया जाता है। आप इसको जो है बॉईल करके आप सिर्फ दो टाइम इसमें दिन में ले सकते हैं इसको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी लीव्स को आप कट करके भी बॉईल कर सकते हैं, या फिर इसको जो है मिक्सी में इसका पेस्ट बना के भी इसे बॉईल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैन ले लिया है, उसी में दो ग्लास पानी ऐड कर लिए हैं, क्योंकि जब हम इसे बॉईल करेंगे तो ये जो है पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसमें अब ये लीव्स मैंने इस तरह से कट करके रखी हैं, वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ तुलसी के लीव्स या फिर इस तरह से तुलसी के जो सीड्स होते हैं, तुलसी के बीज और पत्ते, इस तरह से आप इसमें ऐड कर लें। तो अब इसको हम कवर कर लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। फ्लेम को आपको एकदम लो रखना है। आप इसे मॉर्निंग में, आफ्टरनून या फिर इवनिंग कभी भी ले सकते हैं। आप खाली पेट भी इसे ले सकते हैं या फिर खाने के बाद भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत इजी रेसिपी है ये बनाने के लिए भी, और जितना इजी ये बनाने में है और उससे कहीं ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो ये देखिए, ये अब अच्छे से बॉयल हो चुका है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब इसे हम एक ग्लास में छान के सर्व कर लेंगे। आप इसे ठंडा करके भी पी सकते हैं, या फिर थोड़ा गुनगुना भी पी सकते हैं, या फिर गर्म भी पी सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास में इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लिया है। कितनी इजी और सिंपल रेसिपी है पारिजात के जूस बनाने की, या फिर पारिजात आप टी भी इसको बोल सकते हैं। वो भी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।